हम प्राचीन आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं प्राचीन आर्थिक विचार अब प्राचीन आर्थिक विचारों में नंबर एक पर आता है प्राचीन भारत के आर्थिक विचार नंबर दो है प्राचीन ग्रीक यूनान के आर्थिक विचार और नंबर तीन है प्राचीन रोम के आर्थिक विचार तो दोस्तों इन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे चूँकि भारत एक प्राचीन सभ्यता का देश है और हमारी देश में सिंधु सभ्यता बहुत ही मशहूर है यानी कि हमारा देश सबसे पहले सभ्य सब हुआ और सबसे पहले हमने सभ्यता का प्रचार किया तो इस सभ्यता के प्रचार में हमारी जो बहुत ही आर्थिक विचार पनपे और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक विचार हमारे सामने आए लेकिन हमारी सभ्यता में कुछ तर्क शक्ति का अभाव रहा इसलिए हम पूरी दुनिया पर छाने से वंचित रह गए और जिन्होंने तर्क शक्ति का सहारा लिया वो पूरी दुनिया पर छा गए तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे देश में आर्थिक विचार और सामाजिक आर्थिक ढांचा किस तरह से था तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि की जाती की जाती थी तो हमारे देश का प्राचीन जो आर्थिक क्रियाएं थीं वो मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि थी और इसके साथ ही दूसरी आर्थिक क्रिया जब कृषि होती थी तो व्यापार भी होता था यानी कि व्यापार भी होता था और जब व्यापार और कृषि होती थी तो इसमें काम करने के लिए श्रमिकों की भी ज़रूरत होती थी यानी कि श्रमिक भी थे तो इस तरह से हमारे समाज में कृषि व्यापार और श्रमिक होते थे वहीं हमारे समाज में एक और वर्ग था जो कि बहुत ही विद्वान था यानी कि वो विद्वता उसमें थी और वो विद्वान था और वो धार्मिक क्रियाएं करता था जिसे कि हमारे समाज में ब्राह्मण नाम से जानते थे तो इसी तरह से हमारे समाज का चार वर्गों में बटे हुए थे और ये हमारे समाज में वर्ग थे तो वर्ग में एक प्राचीन में जो हमारे वर्ग थे वो थे ब्राह्मण और दूसरा वर्ग था क्षत्रिय और तीसरा वर्ग था वैश्य और चौथा वर्ग था, बर्ग था जिसे शूद्र नाम से जानते हैं यानी कि अब हमारे समाज में ये तीन वर्ग थे और इन्हीं वर्गों में ये जो ब्राह्मण वर्ग था इसका कार्य था कि ये पठन पाठन का कार्य करता था यानी कि विद्या का प्रचार करना इसी ब्राह्मण वर्ग था का था और ये ब्राह्मण वर्ग जो था इन अन्य वर्गों से दान लिया करता था यानी कि ये दान लेकर इसे खाते थे और दूसरा एक वर्ग था क्षत्रिय तो ये क्षत्रिय वर्ग का कार्य ये था कि ये लोग इन सभी वर्गों की यानी समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और इस सुरक्षा के बदले यानी कि ये समाज को सुरक्षा प्रदान करते थे और ये सैनिकों का कार्य करते थे और इन सुरक्षा के बदले इसे इस समाज से टैक्स लेने की अनुमति थी यानी कि ये अन्य समाजों से कर वसूल करते थे और वो कर वसूल करने के करके ही सभी समाजों को जो था वो अपना सेवा प्रदान करते थे यानी सभी समाजों को सुरक्षा देते थे, थे और तीसरा वर्ग बैशियों का था ये बैशियों का ये कार्य था कि ये आवश्यक वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और उसमें व्यापार करना इनका कार्य था और ये व्यापार करके समाज के सभी वर्गों तक अनाज और सभी सुविधाएं पहुंचाते रहते थे और उस व्यापार से जो मुनाफा होता था उससे इस समाज का भरण पोषण होता था और हमारा एक चौथा समाज था जिसे के शूद्र यानी के ये सामान जो था वो शोध्र था और ये सेवक समाज था यानी इसकी ज़िम्मेदारी थी कि बाक़ी सभी समाजों की ये सेवा करता था यानी कि ये सभी श्रम का कार्य और साफ सफाई और जो भी कार्य होते थे समाज की सेवा के वो कार्य हमारा एक शूद्र जो वर्ग था वो करता था इसी हिसाब से हमारे फिर हमारे समाज में जातियाँ बन गईं यानी कि जो जो भी कार्य करता था उस कार्य के अनुसार हमारे प्राचीन जो है समाज में जातियाँ बन गई और ये जातियाँ इतनी गहरी हो गई यानी कि इतनी इन जातियों की महत्ता बढ़ गई क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग या कोई भी जाति का आदमी अपनी ही जात से सामाजिक संबंध रख सकता था और वो किसी दूसरी जात से सामाजिक संबंध नहीं रख सकता था यानी आर्थिक संबंध तो सबसे रखता था और सामाजिक संबंध नहीं रखता था और ये जातियाँ वैसे तो श्रम विभाजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थीं लेकिन यही जातियाँ हमारे समाज के लिए एक रोड़ा भी बन गईं क्योंकि आगे चलकर हम इन जातियों के जो वर्ग और जाति का जो घेरा था उसे तोड़ने में असफल रहे और हम इन जातियों के बसी भूत होकर भी कई तरीके की हमारे अंदर बुराइयां पनपने लगीं और हम अपने को बड़ा साबित करने के लिए और दूसरे को छोटा साबित करने में लगे ही रहे बाकी अन्य विश्व के लोग जब तक जो है बहुत ही आगे निकल चुके थे तो दोस्तों ये था हमारे भारतीय समाज का कुछ आर्थिक और सामाजिक अध्ययन अब हम अगले वीडियो में प्राचीन ग्रीक यानी यूनान के जो अध्ययन है वो करेंगे तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ धन्यवाद